हाय एवरीवन, मैं हूं सुखदेव और आप देख रहे हैं मिक्स मैट 22 यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी फाइंड करेंगे। आप यूपीआई आईडी फाइंड करके आप किसी भी दूसरे यूपीआई ऐप के जरिए आप इस बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल ऐप ओपन करना है और फिर एम पिन इंटर करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे प्रोफाइल डिटेल्स पे और आप सबसे नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे वी पी ए आई डी मीन्स वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आई डी, यही आपका यू पी आई आई डी है। इस यू पी आई डी के जरिए आप किसी भी दूसरे मोबाइल ऐप के जरिए आप इस बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स ये भी एक मेथड होगा जिसके जरिए आप यू पी आई मनी ट्रांसफ़र के जरिए मनी रिसीव कर पाएंगे। उसके बाद आप अकाउंट नंबर और आई एफ एस सी कोड के जरिए भी यहाँ पे मनी रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पीछे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू स्टेटमेंट पे और यहाँ पे देख सकते हैं आई एफ एस सी कोड और आपका अकाउंट नंबर। तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर और आई एफ एस सी कोड के जरिए भी मनी रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी आपको मनी रिसीव करने बताऊँगा यू पी आई मनी ट्रांसफ़र के जरिए। तो आप यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल से पहले अपना यू पी आई आई डी नोट कर लें। तो चलिए मैं नोट कर लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी मनी ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल करूँगा पेटीएम ऐप का। तो चलिए ओपन कर लेते हैं और फिर क्लिक करेंगे यू पी आई मनी ट्रांसफ़र पे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंटर बैंक अकाउंट स्लैश यू पी आई आई डी पर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना यू पी आई आई डी इंटर करेंगे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का यू पी आई आई डी है। तो चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड के बटन को क्लिक करेंगे। आप जैसे ही प्रोसीड के बटन को क्लिक करेंगे जिसके अकाउंट से नाम होगा आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आप नाम को कन्फर्म कर लें। उसके बाद आप कितना अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप यहाँ पे इंटर करें और अगर कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मैसेज पे क्लिक करके आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कुछ। उसके बाद आप यहाँ पे किस बैंक से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मनी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद मैं प्रोसीड के बटन को क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको यू पी आई पिन इंटर करना है और टिक के बटन को क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। तो चलिए अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल ऐप में जाते हैं और क्लिक करेंगे व्यू स्टेटमेंट पे और फिर क्लिक करेंगे व्यू लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने ₹111 ट्रांसफ़र किए यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, जो कि मैं अभी आपको यू पी आई मनी ट्रांसफ़र के जरिए मनी रिसीव करने बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं और अगर कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।